फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं हीट इंजन के बारे में, जो कि थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, जिससे कि हमें अच्छी तरीके से साइक्लिक प्रोसेस समझ में आती है और साथ साथ समझ में आता है कि किस तरीके से एक हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहला सवाल हमारे सामने ये खड़ा होता है कि वॉट इज हीट इंजन, यानी कि हीट इंजन है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जिसमें एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू एक सिस्टम काम करता है और उसके अंदर जो भी हीट हम लोग उसको देते हैं उस हीट को वो कन्वर्ट करता है वर्क डन के अंदर। तो ये होता है एक डिवाइस, ये होता है एक इंजन जो कि हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है, जिसका मेन काम यही होता है। या फिर यू कह लीजिए कि यही जो है हीट इंजन का प्रिंसिपल भी है। तो हीट इंजन का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि एक सिस्टम है वो हीट को थर्मल एनर्जी या फिर केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, जो कि मैकेनिकल वर्क में यूज की जाती है। भाई एक सिस्टम है वो हीट लेता है अपने अंदर और उस हीट को जो है कन्वर्ट कर देता है वर्क के अंदर। अब जो वर्क है वो मैकेनिकल वर्क होता है, ठीक है। अब उस वर्क के लिए केमिकल एनर्जी चाहिए या फिर थर्मल एनर्जी चाहिए, वो डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा इसमें एक चीज और आती है कि ये जो एनर्जी है वो बेसिकली यूज कर लेता है, हीट एनर्जी यूज कर लेता है और थोड़ी बहुत हीट जो है वो रिजेक्ट भी कर देता है अपने अंदर से, ठीक है। अपने आप को दोबारा इनिशियल स्टेट में लाने के लिए वो ऐसा करता है, ठीक है। और इसके अंदर दूसरी ध्यान देने वाली चीज ये होती है कि हमेशा ये जो सिस्टम है ये बेसिकली हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाता है, मतलब हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ काम करता है और इसी के बीच में वो वर्क को पूरा करता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल में ये दो तीन बातें ध्यान देने वाली हैं, एक तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर वाली, दूसरा ये जो एनर्जी है ये कन्वर्ट होती है वर्क के अंदर, तीसरा कुछ एनर्जी यानी कि कुछ जो हीट होती है जो कि काम की नहीं होती है वो उसको रिजेक्ट भी कर देता है। और इसी के बिहाफ पर एक डायग्राम हमारे सामने बन के आता है, या आपके सामने डायग्राम बना हुआ है जिसमें एक रिजर्वायर है, बीच में आपका सिस्टम है और यहां पर आपका सिंक है, ठीक है। तो इसके थ्रू हमें अच्छी तरीके से समझ में आता है कि कैसे कोई भी हीट जो है कन्वर्ट हो जाती है हमारी वर्क के अंदर और जो हीट काम की नहीं है वो रिजेक्ट हो जाती है। कैसे? जिसमें जी ये रिजर्वायर है बेसिकली ये करता क्या है, ये हीट का सोर्स है, यानी कि इसको समझ लीजिए कि यही जो है एक तरीके से फाइनेंसर है हीट का। ये जितनी भी हीट इस सिस्टम के लिए जरूरी होगी ये इसे देगा, इसे प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। और जब ये हीट इसके अंदर चली जाएगी, इस सिस्टम के अंदर चली जाएगी, और मान लीजिए कि इसके अंदर आपका कोई भी सब्सटेंस है, जैसे कि मान लीजिए कि पेट्रोल वेपर और एयर है, कोई भी फ्यूल है, एयर है, डीजल है, गैसोलाइन है, कोई भी गैस है, कुछ भी समझ लीजिए, तो वो जो हीट है वो इसको अब्जॉर्व करेगा, अब्जॉर्व करके वो उसको टेम्परेचर हाई हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है कि हीट इसके अंदर गई है तो उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा। तो उस हाई टेम्परेचर में उस हीट का जो यूज है वो किसी भी तरीके के काम में किया जा सकता है। जैसे कि इंजन होता है गाड़ी का, उसमें जब ये जो फ्यूल है जब हीट क्रिएट कर लेता है, ये टेम्परेचर हाई हो जाता है, उस टेम्परेचर की मदद से पिस्टन को चलाया जाता है अंदर, ठीक है। उस पिस्टन को चलाया जाता है जिससे कि पहिए घूमते हैं, ठीक है। और कोई दूसरा काम हो, जैसे कि हमारा एयर कंडीशनर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, और कोई दूसरा काम हो, तो उसके अंदर उस हिसाब से उस हीट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाती है बात। अच्छा, अब इसके अंदर जितनी हीट का यूज इस सिस्टम ने करना था उसने कर लिया, और बाकी जो थोड़ी बहुत हीट बचती है जो कि यूज नहीं हो पाई, उस हीट को यहां से निकाल के सिंक में डाल दिया जाता है। सिंक जो है वो बेसिकली आप समझ लीजिए कि जो रिजेक्टेड हीट होती है उसका अब्जॉर्बर होता है, वो उस हीट को अब्जॉर्व कर लेता है। जैसे कि एक गाड़ी के अंदर क्या होता है कि जो इंजन होता है उसके अंदर पेट्रोल या फिर फ्यूल का यूज किया जाता है हीट को जनरेट करने के लिए, और फिर उस हीट का क्या किया जाता है, उससे पहिए घुमाए जाते हैं, गाड़ी चलाई जाती है, और जो बाकी जो हीट काम की नहीं रहती है उसे साइलेंसर के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो वहां पर ये जो साइलेंसर है वो सिंक का काम कर रहा है, और ये जो मेरा रिजर्वायर है इसका ये जो है फ्यूल यानी कि इसका जो ये इंजन है ये रिजर्वायर का काम करता है। यहाँ पर जितना भी एनर्जी है वो सारा का सारा फ्यूल की मदद से मिलता है, वो क्रिएट होता है एनर्जी, एनर्जी की मदद से गाड़ी चलती है, और जो जो एनर्जी यूज नहीं हुई, जो हीट यूज नहीं हुई, उसे साइलेंसर के जरिए बाहर फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इन तीनों चीजों के बारे में अच्छी तरीके से पता चल गया। रिजर्वायर वो होता है जो कि हीट प्रदान करता है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो रिजर्वायर होता है इसके अंदर हीट की कोई कमी नहीं आती, मतलब इसका जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है वो हाई ही बना रहता है। जिसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं समुद्र यानी कि सी। अब सी में से आप जितना भी पानी बाहर निकाल लो उसका सी लेवल घटने वाला नहीं है। हमें पता है कि लगातार उसके अंदर जो है
पानी निकल भी रहा है और पानी उसके अंदर जा भी रहा है, तो एक कॉन्स्टेंटली इसका एक लेवल बना रहता है, ठीक है। तो उसको आप कह सकते हैं एक तरीके से पानी का सप्लायर कह सकते हो, यानी कि इसी तरीके से जो रिजर्वायर होता है उसके अंदर हीट का सप्लायर होता है, उसके पास हीट ही हीट होती है, तो वो क्या है कॉन्स्टेंटली बना रहता है। इसी तरीके से हमारा जो ये सिंक होता है, ये सिंक भी कॉन्स्टेंट होता है, मतलब इसका टेम्परेचर लोअर होता है एक्चुअली, है ना, क्योंकि ये रिजेक्टेड हीट को बाहर निकालने का काम करता है। तो आप इसी का एग्जांपल ले सकते हैं समुद्र का ही, आप इसमें जितना भी पानी डाल लो इसका सी लेवल बढ़ने वाला नहीं है, मतलब हमें पता है कि मैं जितना भी इसके अंदर पानी डाल दूं कभी ना कभी हर बार हर समय पे इसका कुछ ना कुछ पानी बाहर भी निकल रहा है। तो कहने का मतलब है ये रिजर्वायर है और ये जो हमारा सिंक है ये एक पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे बने रहते हैं, और यहां पर हमें समझ में आता है कि जो हीट का जो फ्लो है इस हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ही हो रहा है, जैसा कि मैंने प्रिंसिपल के अंदर आपको बताया था। तो हीट इंजन का सिंपल कार्य अगर आपको समझ में आया हो कि हीट को अब्जॉर्ब करके उस हीट का वर्क में कन्वर्ट करके जितनी काम आई हीट उसका, और बाकी जो हीट बची उसको बाहर निकालने का काम हीट इंजन करता है। सो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे तीन चीजें समझ में आ गई कि हीट इंजन क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है और उसका वर्किंग क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता करना है कि इसके अंदर जो कितना वर्क हुआ, मतलब इसके वर्क को अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल है, इसके वर्क को कैलकुलेट किया जाता है हीट की मदद से। कि मान लीजिए कि मैंने इसको इतनी हीट दी, Q1 हीट दी रिजर्वायर से, और इसने थोड़ी सी हीट जो है बाहर निकाल दी, मतलब जो Q2 है हीट बाहर निकाल दी, तो मुझे उस हीट की वैल्यू पता करनी है जिसको वर्क डन में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। तो मैथमेटिकली अगर हम लोग सोच के देखें कि मान लीजिए कि मैंने इसको 5 जूल का एनर्जी दिया, 5 जूल का हीट दिया, और इसमें से इसने 2 जूल का हीट रिजेक्ट कर दिया, तो मुझे पता लगाना है कि कितनी हीट इसने वर्क में कन्वर्ट करी। तो बहुत सिंपल है कि डब्ल्यू इज इक्वल टू में Q1 माइनस Q2, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू में 3 जूल, यानी कि इस 3 जूल हीट का इसने वर्क में कन्वर्जन किया, बाकी 2 जूल तो बाहर निकाल दी ना, तो वर्क की वैल्यू हमारे सामने निकल के आएगी W इज इक्वल टू में Q1 माइनस Q2, ठीक है, ये हो जाता है इसका वर्क। अब फ्रेंड्स, सवाल ये उठता है कि कौन सा हीट इंजन कितना अच्छा वर्क कर सकता है, मतलब कौन से हीट इंजन में सबसे ज्यादा हम लोग वर्क करवा सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है उस इंजन की इफिशियंसी पे, यानी कि इसकी इफिशियंसी कितनी है। इफिशियंसी से मेरा मतलब है कि वो ज्यादा से ज्यादा हीट को वर्क में कन्वर्ट करे, ऑब्वियसली बात है। तो उसके लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करें इसकी इफिशियंसी, तो इफिशियंसी को हम लोग लिखेंगे एन से, इस नीटा से, ठीक है, इज इक्वल्स टू में इस पूरी की पूरी प्रोसेस में किया गया वर्क, यानी कि डब्ल्यू अपॉन में इसको टोटल दी गई हीट Q1। भाई इसने काम किया 3 जूल का, नीचे मैंने रख दिया 5, ठीक है, तो मुझे पता चलता है कि इसकी इफिशियंसी कितनी हुई, 3/5 में कितनी हो गई, 0.6, यानी कि 60% इसकी इफिशियंसी है, ठीक है। इसी तरीके से तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यानी कि नीटा इज इक्वल्स टू में टोटल वर्क डन बाय द इंजन अपॉन में Q1, और हमें पता है कि W इज इक्वल्स टू में क्या होता है, Q1 माइनस में Q2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं नीटा इज इक्वल्स टू में Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1, और इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो नीटा इज इक्वल्स टू में 1 माइनस Q2 अपॉन में Q1। तो ये हो जाता है इफिशियंसी का फॉर्मूला। वैसे तो इफिशियंसी का फॉर्मूला यही हो जाता है कि टोटल वर्क डन अपॉन में उसको टोटल दी गई हीट, यानी कि टोटल दी गई क्यू की वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। इसको दूसरे तरीके से अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, इस क्यू की जगह आप लोग टेम्परेचर का टी लिखेंगे, क्योंकि हीट को हम लोग टेम्परेचर के अंदर ही कैलकुलेट कर पाते हैं, हम लोग डायरेक्ट नहीं बता सकते कि कितनी हीट है, हम लोग थर्मोमीटर की मदद से या फिर किसी और डिवाइस की मदद से इसका टेम्परेचर नापते हैं, ठीक है। तो नीटा इज इक्वल्स टू में 1 माइनस T2 अपॉन में T1, तो ये हो जाती है हमारी इफिशियंसी की वैल्यू। अब इससे ये हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं कि मान लीजिए कि मैंने इसको पूरी की पूरी Q1 जो हीट दी थी इस सिस्टम को, अगर ये पूरी की पूरी हीट को कन्वर्ट कर दे वर्क के अंदर, तो यहां पर T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, भाई T1 का पूरा इन्होंने यूज कर दिया वर्क के अंदर, तो T2 की वैल्यू 0 हो गई, तो यानी कि 1 माइनस 0 अपॉन में T1, तो यहां पर नीटा की वैल्यू निकल के आई 1, यानी कि ये 100% इफिशियंट है, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर, या किसी भी सिस्टम के अंदर 100% इफिशियंसी वाला सिस्टम बनाना या 100% इफिशियंसी वाला इंजन बनाना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि यहां पर अगर T2 की वैल्यू 0 हो जाए, तो इसका मतलब यहां से मैंने हीट दी तो सही, यहां से रिजर्वायर से हीट इसके अंदर गई तो सही, लेकिन आगे नहीं बढ़ी, मतलब हीट का जो फ्लो है वो रुक गया, और हीट का फ्लो ही रुक जाएगा तो फिर वो हीट को वर्क में कैसे कन्वर्ट करेगा ये जो हमारा सिस्टम है। इसीलिए कहते हैं कि 100% इफिशियंसी वाला हीट इंजन बनाना
नामुमकिन है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी वाला इंजन बनाया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो डीजल होता है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है बजाय के पेट्रोल के। क्यों? क्योंकि जो पेट्रोल है वो 400 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पैदा कर सकता है इसके अंदर। किसके अंदर? इंजन के अंदर। वही है जो हमारा डीजल है वो 700 डिग्री सेल्सियस की जो गर्मी है वो पैदा कर सकता है। ठीक है, वही जैसे इसको फॉर्मूले से समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए कि मैंने इंजन के अंदर पेट्रोल डाला और यहाँ पे T1 की वैल्यू 400 है, तो 400 से मैंने T2 को डिवाइड किया तो कुछ वैल्यू आई, और एक में से इसको डिवाइड किया तो ये कुछ वैल्यू निकल के आ सकती है हमारे सामने। वहीं अगर मैं नीचे 700 रखूं T1 की जगह, तो यहाँ पे वैल्यू कम आएगी, और उस वैल्यू को 1 में से माइनस करेंगे तो वो ज्यादा आएगी ना। भाई यहाँ पे 400 रखा था तो वैल्यू कुछ आई, लेकिन 1 से माइनस करने के बाद कुछ वैल्यू आई, लेकिन यहाँ पे अगर आप 700 रखेंगे तो वैल्यू जो है आपके आपको ज्यादा प्राप्त होगी। ठीक है नीटा, यानी कि इफिशियंसी डीजल की ज्यादा है, इसलिए जो कारें होती है वो डीजल कारें ज्यादा अच्छी तरीके से चल सकती हैं। तो T1 की वैल्यू जितनी ज्यादा, यानी कि डीजल कार हुई तो आपकी ज्यादा स्पीड से चल सकती है, ज्यादा देर तक चल सकती है। तो ये तो एक तरीका हो जाता है कि जिस तरीके से आप समझ सकते हैं इस कि कितनी ज्यादा एफिशिएंसी हो सकती है। दूसरा तरीका यह है कि T2 की वैल्यू जितनी कम हो, यानी कि इस T2 की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही कम निकल के आएगा वैल्यू, और इस तरीके से 1 में से माइनस करोगे तो वैल्यू उतनी ज्यादा निकल के आएगी, एफिशिएंसी ज्यादा निकलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई गाड़ी यहां पर चल रही है, हमारे राजस्थान के अंदर चल रही है, और उसी गाड़ी को अगर मैं जम्मू कश्मीर के अंदर चलाऊंगा, क्योंकि वहां पे वेदर जो है वो कम है, उसका जो टेम्परेचर है वो कम है वेदर का, तो टेम्परेचर कम होगा तो मोर इफिशियंटली चल पाएगी गाड़ी। मतलब अगर यहाँ पे 20 किलोमीटर चल रही है तो वहां 22 किलोमीटर, 23 किलोमीटर, 25 किलोमीटर भी चल सकती है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। नीचे वाला टेम्परेचर जितना ज्यादा हो, यानी कि T1 जितना ज्यादा हो उतना एफिशियंट, ऊपर वाला टेम्परेचर यानी कि T2 जितना कम हो उतना ज्यादा एफिशियंट। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर भी होता है। आप देख लीजिए कि आप समर्स में जितना काम नहीं कर पाते उससे ज्यादा काम आप विंटर्स में कर लेते हैं, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम होता है और हम जो है ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाते हैं। गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हम उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते। तो ये जो हमारी बॉडी है ये भी हीट इंजन के थोड़े से प्रिंसिपल को फॉलो करती है। तो फ्रेंड्स, ये हो जाता है हीट इंजन का प्रिंसिपल हो जाता है, क्या होता है। वर्किंग हम लोगों ने समझ ली, वर्क हम लोगों ने समझ लिया, इसकी एफिशिएंसी हम लोगों ने समझ ली। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी रह जाती है, कोई प्रॉब्लम रह जाती है, फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेशन के जरिए बताइए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।